ये बताएं, पाकिस्तान के हालात अच्छे कैसे हो सकते हैं? क्या करे हर पाकिस्तानी आपके ख्याल में, क्या कर सकता है कि वो अपने और अपने मुल्क के हालात अच्छे कर ले? जब हम किसी की हर चीज़ की जिम्मेदारी पार्टियों पे और गवर्नमेंट पे डालना छोड़ दें, दैट्स वेरी सिंपल। हम वो जिम्मेदारी अपने आप पे डालें, मुझे क्या, हाँ पाकिस्तान ने क्या दिया, इस गवर्नमेंट ने क्या दिया, छोड़ दें सारी चीज़ों को। सवाल अपने आप से पूछो, मैंने अपने मुल्क के लिए क्या किया है? जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन, हम सब लोग ठीक हो जाएंगे। मैं अक्सर ये देखता हूँ, ये इमरान खान आया, फलां आया, जो भी है, मुझे सबसे मुझे कोई मसला नहीं है। वो आप उन पे डोल रहे हो, वो उससे नहीं हालात कभी ठीक हो सकते। जब अपने आप अपने गिरेबान में देखो, जैसे कहते हैं ना, वो देखो और देखो कि मैं क्या करके दे सकता हूँ। आपके ख्याल में क्या करके दे सकते हैं? आम आदमी समझते हैं मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और मैं कहता हूँ आपकी अच्छी जो सोच है ना, कि यार मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मैं किसी को हर्ट, किसी के मतलब टांगे ना खींच लूँ, उससे ठीक हो जाएगा। आपको तो यही आपकी कंट्रीब्यूशन है, आप जो करना चाह रहा है उसको रोको नहीं, यही भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जैसे कहते हैं ना, बुराई, अगर जैसे हम मुसलमान हैं, हम उस चीज़ भी यकीन रखते हैं कि अगर बुराई की आप उसको रोक नहीं सकते, तो आप अंदर से उसको बुरा समझो, मतलब आप उसको रिवर्स कर दो ना। अगर आप कोई काम अच्छा कर रहा है, तो अगर उसको रोकने की बजाय, उसके टांगे अड़ाने की बजाय, उसके लिए उसको अंदर से दुआई करके सपोर्ट करो। हमारे जो जेलसी है उसको रोकना, तो वो बेचारे के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि वो भी सक्सेसफुल नहीं कर सकता। अगर आप नहीं हो, तो वो सक्सेसफुल जब होगा, जो बंदा थोड़ा सा सक्सेस होगा, वो सारा खुद तो नहीं खा सकता ना, खा के मरना ही है ना, सबने वही खाना है, आप भी वही खाते हो, मैं भी वही खाता हूँ, ठीक है। बाकी तो सारा ऐसे ही नंबर्स की गेम है ना, जो इधर ले जानी, किसी ने साथ में लेके जानी, तो जो होगा, जो किसी की पोजिशन हेल्प करने में कभी होगा तो हेल्प करेगा ना। अगर वो बेचारा उस हेल्प करने की पोजिशन में नहीं है, तो हेल्प कैसे करेगा? तो इसलिए जब हम अपने आप पर सोचें, अगर आप किसी भी वैसे आप खुद नहीं कर सकते जो कर रहा है, तो उसको शाबाश दें और उसको कहें मेरी दुआ आपके साथ है। तो जो बेसिकली जो करना चाह रहा है उसको तो करने दें ना, हमारे तो जो उसको रोटेट करने बंद कर दें, तो उससे हमारे, हमें हर बंदे का सक्सेस तो दुनिया में कभी नहीं होती ना, उससे हमारे में ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। कोई एक प्रैक्टिकल स्टेप जो वो खुद आदमी कर सके? एक तो आपने कहा कि दूसरे की सपोर्ट करे, खुद अपने हाथ से क्या कर सकता है? खुद ये कि आप अपना एक प्लान करो, जो भी आपने करना है, किसी का बिजनेस है या पढ़ना है, या मतलब हर एक का बिजनेस प्लान अपना होता है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता हर कोई ये करे, लेकिन रोज, हर रोज उस पे आधा घंटा या 15 मिनट या 10 मिनट उस चीज पे प्रोग्रेस करे, अगले स्टेप पे। ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, जो मेजर सक्सेस, बड़ी सक्सेस किसी की होती है ना, अगर उसको पीछे करके देखो, तो उसने वो रोज छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेके वो आगे जा रहा था। अगर हम चलना भी शुरू कर दें, कहते हैं बंदा 20 मिनट में माइल करता है, लेकिन जो माइल है एक स्टेप से शुरू होता है, वो दरमियान में रुक जाएगा तो स्टेप नहीं चलते, वो माइल नहीं पूरा होगा ना। वो क्या करता है, एक एक स्टेप बाई स्टेप बाई स्टेप करता जाता है, तो 20 मिनट में माइल हो जाता है ना। आपको वो रोज का स्टेप करना है, जैसे आप रोज खाना खाते टाइम पे। इसीलिए जो आपने जो करना चाहते हो, उसके अपने स्केड्यूल में डालो, और आधा घंटा तो बहुत टाइम होता है अपने काम करने के लिए रोज का, जो अपने आपको ग्रो करना है। मतलब अगर आप रोज पे उस पर 10-15 मिनट या आधा घंटा कंटिन्यूसली करते हैं, जैसे रोज खाना खाते हैं वैसे ही, तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई।